क्या चाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे एक न्यू TWS ईयरबड्स की जो आता है मीवी कंपनी की ओर से और इसका मॉडल नेम है डुओपोड F60। और इस वीडियो में बात करेंगे इसके सभी फीचर्स के बारे में और इसमें इनिशियली क्या प्रोज एंड कॉन्स दिए गए हैं इस पर भी बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे क्या ये TWS अंडर 1000 रुपीज़ में वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ये TWS आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है या फिर नहीं। बात करें इसकी प्राइसिंग की तो इसका लॉन्चिंग प्राइस है 999 रुपीज़, जो कि काफ़ी एग्रेसिव रखा गया है और ये आपको बजट प्राइस में ही मिल जाएगा, जिसे आप फ्लिपकार्ट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना जिससे आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये वीडियो आपको लॉन्च से पहले मिल रही है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बॉक्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। बॉक्स के फ्रंट साइड में ही मीवी की ब्रांडिंग मेंशन की गई है और इसका मॉडल नेम डुओपोड ENC F60 भी देखने को मिल जाएगा और कुछ की फीचर्स को भी हाईलाइट किया गया है। डीप एंड पावरफुल बेस मिल जाएगा और ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इसमें ENC का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और बात करें इसके बैक साइड की तो बैक साइड में भी कुछ की फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। HD स्टीरियो साउंड इफेक्ट मिल जाएगा, डुअल माइक का सपोर्ट दिया गया है और टच कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कि आप प्ले पॉज और कॉल को आंसर रिजेक्ट वगैरह कर सकते हैं। और प्राउडली मेड इन इंडिया भी मेंशन किया गया है और इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी और सुपर सॉलिड बेस इफेक्ट इसमें दिया गया है और IPX4 की रेटिंग दी गई है, जिससे कि ये स्वीट प्रूफ बन जाते हैं। और अब जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या एक्सेसरीज साथ में दी गई है। और बॉक्स को ओपन करने के बाद ये सभी एक्सेसरीज देखने को मिल जाएंगी, जिसमें सबसे पहले एक वेलकम कार्ड दिया गया है, इसे आप रीड आउट कर सकते हैं। साथ में एक आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, 1 ईयर की वारंटी कार्ड इसमें दिया गया है। और आपको एक बुकलेट मिल जाएगी जिसे रीड आउट करके आप इस TWS को ऑपरेट कर सकते हैं। और एक स्मॉल साइज की टाइप सी केबल दी गई है चार्जिंग के लिए और साथ में कुछ सिलिकन ईयर टिप्स भी मिल जाएंगे जो कि डिफरेंट साइज के दिए गए हैं, जिससे कि आप इन्हें अपनी ईयर साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली अब आ जाते हैं अपने चार्जिंग केस पर और सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। इसके फ्रंट साइड में ही 4 LED नोटिफिकेशन लाइट दी गई है जो इसकी चार्जिंग कैपेसिटी को शो करती है। मीवी की ब्रांडिंग मिल जाएगी और इसके बॉटम साइड में टाइप सी पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए। बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो इसमें पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का यूज़ किया गया है और ये ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आता है और काफ़ी स्लिम और कॉम्पैक्ट साइज का दिया गया है और काफ़ी लाइट वेट भी है, जिससे कि आप इसे ईजिली पॉकेट में कैरी भी कर सकते हैं। और साथ ही इस चार्जिंग केस की लिड में मैग्नेटिक लॉक का फीचर्स दिया गया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये काफ़ी टाइट क्लोज हो जाता है। और इसके ईयरबड्स में भी आपको मैग्नेटिक लॉक का फीचर्स देखने को मिल जाएगा, जिससे कि ये इस चार्जिंग केस से इजीली रिमूव नहीं होते हैं और इनको एक सेफ्टी प्रोवाइड हो जाती है। ओवरऑल यहाँ बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की अगर बात की जाए तो यहाँ कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है, इस टाइप के डिजाइन ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डिसेंट क्वालिटी ही इसमें यूज की गई है, बेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं ईयरबड्स की। इनमें स्टिक डिजाइन का यूज किया गया है, इनके टॉप साइड में LED नोटिफिकेशन लाइट दी गई है जो इनकी कनेक्टिविटी को शो करती है और इसी के अराउंड आपको टच सेंसर का यूज भी देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। इनके बॉटम साइड में सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया गया है और बॉटम साइड में आपको चार्जिंग पिन देखने को मिल जाएगी। और साथ ही इन ईयरबड्स में ईयर टिप्स का यूज भी किया गया है, जिससे कि आप इन्हें अपने ईयर कैनल साइज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कंफर्ट एंड फिटिंग की बात करें तो ये आपकी ईयर में इजीली फिट हो जाते हैं, इनमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता और ये काफ़ी लाइट वेट भी हैं, आपकी ईयर में बिल्कुल भी बल्कि फील नहीं होंगे, आप इन्हें इजीली लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। और साथ ही बात करें सेफ्टी फीचर्स की तो इनमें IPX4 की रेटिंग दी गई है, जिससे कि ये स्वीट प्रूफ एंड स्प्लैश प्रूफ बन जाते हैं, आप इन्हें जिम में एक्सरसाइज के दौरान या फिर वर्कआउट्स में भी इजीली यूज कर सकते हैं, यहाँ कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। इनमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट दिया गया है और वायरलेस नेट 10 मीटर देखने को मिल जाएगी और ये ईयरबड्स आपकी डिवाइस से इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर इंस्टेंट वेकअप का कोई फीचर्स नहीं दिया गया है, आपको चार्जिंग केस से ईयरबड्स को रिमूव करना होता है, उसी के बाद ये ईयरबड्स आपकी डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इंस्टेंट वेकअप का फीचर्स देना चाहिए था, क्योंकि बजट प्राइस में भी ये फीचर्स आपको मिल जाता है। और इन ईयरबड्स में SBC और AAC कोडेक का सपोर्ट भी दिया गया, यानी हाई क्वालिटी ऑडियो का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसे आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में जाकर इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी से रिलेटेड लिमिटेड फीचर्स देखने को मिलते हैं।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ की। इसके चार्जिंग केस में टाइप सी पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए और इसमें 500 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी गई है। इसको फुल चार्ज करने के बाद इसमें आपको टोटल 50 आवर का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा और पर ईयरबड्स में 8 आवर का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर कंडीशन भी डिपेंड करती है। इसमें आपको 70% वॉल्यूम पर ही ये प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे हायर वॉल्यूम पर प्रीफर करते हैं तो यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप भी कम ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ सीधे तौर पर बैटरी लाइफ आपकी यूजेज पर डिपेंड करती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी की। इसमें 12mm के स्पीकर ड्राइवर का यूज किया गया है। बात करें वोकल्स की, वोकल्स क्लियर हैं और ट्रेबल भी काफ़ी मेंटेन रखे गए हैं। बात करें बेस की, तो इसमें आपको मीडियम लेवल का बेस सुनने को मिल जाएगा। इसमें हाई लेवल का बेस नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप एक बैलेंस साउंड या फिर बैलेंस बेस सुनना पसंद करते हैं तो ये ईयरबड्स आपके लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं। और साथ ही बात करें लाउडनेस की, तो आप 100% वॉल्यूम तक जा सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाउड सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन भी फील हो सकती है। तो आप 80-90% वॉल्यूम पर ही प्रीफर कर सकते हैं। ओवरऑल अगर साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बैलेंस साउंड ही सुनने को मिलता है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्राइस रेंज को देखा जाए तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑडियो क्वालिटी की। इसके पर ईयरबड्स में डुअल माइक का सपोर्ट दिया गया है, यानी कि इसके दोनों ईयरबड्स में क्वाड माइक का सपोर्ट मिल जाता है और साथ ही साथ ENC का सपोर्ट भी दिया गया, यानी एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन, जिससे कि आपको एक बेहतर कॉलिंग एक्सपीरियंस मिल सके। और एक बार जल्दी से इसकी ऑडियो क्वालिटी को भी चेकआउट कर लेते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी सुनने को मिलती है। दोस्तों ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है मीवी डुओपोड F60 के ईयरबड्स से और इसमें नॉइज कैंसिलेशन के लिए ENC का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही साथ पर ईयरबड्स में डुअल माइक का सपोर्ट भी मिल जाता है। और इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है ये आप खुद से भी जज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना, हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं गेमिंग मोड की। इसमें गेमिंग मोड का फीचर्स दिया गया है, लेकिन यहाँ पर लो लेटेंसी को मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें कितनी मिलीसेकंड्स की लेटेंसी देखने को मिलती है, और नहीं एक्टिवेट और डीएक्टिवेट का कोई फीचर्स देखने को मिलता है। कम से कम एक्टिवेट डीएक्टिवेट का फीचर्स तो देना चाहिए था आपको। अदर ईयरबड्स में भी ये फीचर्स देखने को मिलता है, तो यहाँ सीधे तौर पर आप इन ईयरबड्स का यूज़ करके नॉर्मल गेम प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हैवी यूज़र हैं और आप गेम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो आप वायर ईयरफोन का यूज़ करेंगे तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंट्रोल फंक्शन की। इन ईयरबड्स को ऑपरेट करने के लिए टच सेंसर का यूज किया गया है, जो कि काफ़ी हद तक रेस्पॉन्सिव है और यहाँ पर बिल्कुल भी लैग फील नहीं होता है। इनमें से किसी भी ईयरबड्स पर सिंगल टैप करने से आप म्यूजिक को प्ले एंड पॉज कर सकते हैं और राइट ईयरबड्स पर डबल टैप करने से आप ट्रैक को नेक्स्ट और लेफ्ट ईयरबड्स पर डबल टैप करने से आप ट्रैक को प्रीवियस कर सकते हैं। और इन ईयरबड्स में वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करने का ऑप्शन भी दिया गया है। ट्रिपल टैप करने से आप वॉइस असिस्टेंट को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाएगा। राइट ईयरबड्स पर प्रेस एंड होल्ड करने से आप वॉल्यूम को इंक्रीज और लेफ्ट ईयरबड्स पर वॉल्यूम को डिक्रीज करने का ऑप्शन दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। क्या ये ईयरबड्स आपको परचेज करने चाहिए या फिर नहीं। डिसेंट बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन का यूज किया गया है। कनेक्टिविटी के लिमिटेड ही फीचर्स देखने को मिलते हैं। लॉन्ग बैटरी बैकअप दिया गया है, जो कि आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बैलेंस साउंड क्वालिटी सुनने को मिल जाएगी। नॉइज कैंसिलेशन के लिए ENC का सपोर्ट भी दिया गया, जो कि डिसेंट ही परफॉर्म करता है। और साथ ही गेमिंग मोड का फीचर्स भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक्टिवेट डीएक्टिवेट का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है और नहीं लेटेंसी को मेंशन किया है कि इसमें कितनी मिलीसेकंड्स की लेटेंसी मिलती है। तो यहाँ सीधे तौर पर अगर आप इसमें से कुछ कॉन्स को इग्नोर कर सकते हैं और यहाँ पर प्राइस रेंज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इनका लॉन्चिंग प्राइस है 999 rupees, जो कि बजट प्राइस में ही आपको मिल जाएंगे, तो आप इन TWS की ओर जा सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।